हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड के इस नमो चैनल नारायणा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं अभिषेक नारायण चौहान और मैं करा रहा हूं आप सभी यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं पास्ट इंफिनिटिव टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करें। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पास्ट इंफिनिटिव टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या पहचान होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहचान आपने देखा था शुरू में वही पहचान नेगेटिव सेंटेंस की भी होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी होती है। वो जो पहचान मैंने आपको बताया था वो पूरे टेंस के लिए था, ठीक है, जो लास्ट में क्या लगे रहते थे बड़े ई के मात्रा वाले शब्द या फिर या ई ए था थी थे ते थे ती थी ते थे या फिर बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द, ऐसे वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में लगे होते थे और वो अब भी लगे हुए मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए या लगा हुआ मिल रहा है, ता था लगा हुआ मिल रहा है, बड़ा के मात्रा वाले शब्द लगे हुए मिल रहे हैं, यानी इसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि दिस इज अवर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। हाँ, लेकिन ये जो हमारा वीडियो है आज का ये है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग दो रूल्स को पढ़ेंगे। पहला रूल्स हमारा होगा जो कभी नहीं आता है, सेकेंड होता है जो केवल नहीं आता है। जैसे तुमने मुझे कभी नहीं बुलाया, तुमने मुझे नहीं बुलाया, सेंटेंस के बीच डिफरेंस को देखिए। तो कभी नहीं का जो पोर्शन है ये होता तो नेगेटिव है लेकिन इसका अनुवाद हम प्रेजेंट इंफिनिटिव टेंस में भी देखे थे कि सकारात्मक की भाष्य होता है। उसमें B1 B5 अप्लाई होता था इसके साथ और इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म अप्लाई करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि इसमें B1 B5 का कोई माजरा नहीं है, यानी चाहे ही सी सिंगुलर हो या फिर आई विद प्लूरल हो, सभी के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अब यहां पर देखिए रूल नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य में कभी नहीं आए तो उसकी अंग्रेजी हम नेवर लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो बात खत्म हुई कि नेवर लिखते हैं, कभी नहीं आता है। और सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं नेवर, फिर उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखकर तब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यह है किसका स्ट्रक्चर, रूल नंबर फर्स्ट का स्ट्रक्चर, जब कभी नहीं आ जाता है। अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। मैंने आपको बहुत ही पहले बताया है कि सब्जेक्ट कैसे ढूंढे, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढे और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढना, ऑब्जेक्ट ढूंढना, वर्ब ढूंढना आ गया तो बस यही तो है बात। अगर आप नहीं जानते तो पहले इसे सीखिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकेंगे कि जब तक आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना नहीं जान पाएंगे, ठीक है। जब आप जानेंगे नहीं कि ये ईंट है या ये पत्थर है या ये सीमेंट है तो आप कैसे कुछ कर पाएंगे भाई। अरे ईंट का काम है दीवार बनाना, पत्थर का काम है फर्श पर बिछा देना या और सीमेंट का काम है जुड़ा। हाँ, सभी को पहचानिए भाई ना। अब आइए देखते हैं यहाँ पर, वो अपना पार्ट कभी याद नहीं करता है। कभी नहीं एक साथ भी आ सकते हैं और कभी सेंटेंस के एक पार्ट में, नहीं सेंटेंस के एक पार्ट में आए तब भी हम नेवर ही लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बगल में ही आने चाहिए, कभी नहीं के बीच में कोई अन्य वर्ड भी आ सकते हैं भाई। तो यहां पर देखिए वो अपना पार्ट कभी याद नहीं करता है, तो याद करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। मैंने आपको कहा कि वर्ब से पूछिए कौन या कितने का प्रश्न करके तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब में किसको किसे या फिर क्या का प्रश्न करिए तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। और वर्ब को कैसे पता लगाना है, जो काम हो रहा है वही हमारा वर्ब होता है, तो इसमें याद करने का काम हो रहा है भैया। तो किसने याद किया या कौन याद किया, वाह, ठीक है। कौन नहीं याद करता था भैया, वाह, हो गया हमारा क्या सब्जेक्ट। क्या नहीं याद करता था, अपना पार्ट, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, कभी नहीं मिला जिससे हम निवर का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वो है नहीं ही, फिर क्या लिखेंगे नेवर, तो ही नेवर, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो याद करना क्या हो जाएगा, लर्न, सेकंड फॉर्म हो जाएगा लर्न, ठीक है, यानी ही नेवर लर्न, उसने कभी याद नहीं किया। अब क्या नहीं याद किया, अपना पार्ट, यानी ठीक है, लेसन, क्लियर। सेकंड है, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया, कितने नहीं दिया, मैंने, हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। गाली देना हो गया हमारा क्या, वर्ब हो गया भाई। अब किसी को हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी आई, आई के बाद क्या लग गया, नेवर, गाली देना का क्या हो जाएगा, अब्यूज, सेकंड फॉर्म हो जाएगा अब्यूज, यानी आई नेवर अब्यूज, मैंने गाली नहीं दिया। अब किसी को, किसी को, ठीक है, यानी एनीवन, आई नेवर अब्यूज एनीवन, मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया। थर्ड सेंटेंस है, रमेश ने लड़के को कभी नहीं पीटा, ठीक है, किसने नहीं पीटा, रमेश ने, हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसको नहीं पीटा, लड़के को, हो गया ऑब्जेक्ट, पीटना हो गया हमारा वर्ब, ठीक है, रमेश हो गया हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नेवर, यानी रमेश नेवर
बीट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बीटन, यानी रमेश ने वो बीटन, अब किसे नहीं पीटा, लड़कों को नहीं, द चिल्ड्रेन। ठीक है, क्लियर माय फ्रेंड्स। तो मैं कहता हूं आप लोग, अगर निवर आ जाए पांच सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस में अगर कभी नहीं लगा रहे तो उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लेकिन अभी हम जब केवल नहीं को देखेंगे तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है, डिड नॉट, आइए समझते हैं उसे। माय फ्रेंड्स, हमारा प्रॉब्लम सेकंड कहता है कि जब पास्ट सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य में केवल नहीं आता है तब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तब उसके लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। माय फ्रेंड्स, ये हमारा प्रॉब्लम सेकंड कह रहा है। स्ट्रक्चर जो हमारा हो जाता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट, यानी डिड नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोग नेवर जब आता था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते थे, तब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज व्हाई हम यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। क्लियर माय फ्रेंड्स, अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना आप लोगों को पता है, मैं ढूंढ कर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने पिछले सप्ताह एक मूवी देखी, भैया देखी, क्या हो गया, बॉब। किसने देखी, मैंने देखी, हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या देखी, एक मूवी। ऑब्जेक्ट नहीं, जो पता चल रहा है दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर, पिछले सप्ताह ये अदर वर्ड है जिन्हें हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट यानी आई। आई के बाद लगाएंगे क्या, डिड नॉट, यानी आई डिड नॉट। फिर वी वन, तो देखना का क्या हो जाएगा भैया, वॉच, यानी आई डिड नॉट वॉच, मैंने नहीं देखी। अब क्या नहीं देखी, ऑब्जेक्ट, एक मूवी यानी आ मूवी। अब क्या बच गया, पिछले सप्ताह, यानी यही लिख देंगे हम लास्ट वीक, लास्ट में फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस है, हम सुबह जल्दी नहीं उठते थे। याद रखिएगा यहाँ पर थे लगा हुआ है, जिसकी पहचान है कि तथाती थे लगे हो तो आपका पांच एफिडेंस होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखी है प्लस थी हो जाए, देखी थी, ठीक है, थी अगर लगता है तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कहीं देखी थी लगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, जितना आपको बताया गया अभी बस उतना ही याद रखिए कि देखिए लगा रहे तो आप समझ जाइएगा। अगर थी लग गया तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यहां पर अगर थी लग गया तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर, थोड़े थोड़े चेंजेस अगर हुए तो आपका टेंस चेंज हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, हम सुबह जल्दी नहीं उठते थे, तो उठना हो गया हमारा वर्ब, कौन नहीं उठते थे, हम हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, नहीं जिससे पता चल रहा है नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी वी। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखते हैं, डिड नॉट यानी वी डिड नॉट। अब उठना का क्या हो जाएगा, वेक, सेकंड फॉर्म नहीं अप्लाई होगा बिकॉज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यानी वी डिड नॉट वेक अप। ठीक है, हम नहीं उठते थे सुबह जल्दी, यानी अर्ली इन मॉर्निंग। वी डिड नॉट वेक अप अर्ली, हम जल्दी नहीं उठते थे इन मॉर्निंग, यानी सुबह, हम सुबह जल्दी नहीं उठते थे। वी डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस है, आज जोर से बारिश नहीं हुई। अगर यहां पर ठी लगा दे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, केवल हुई ही है तो हमारा पास्ट इनफेक्ट होगा। तो आज जोर से बारिश नहीं हुई, समय मौसम दिन महीना के लिए अपन लोग सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते थे, याद रखिए, तो इट। ठीक है, अब डिड नॉट इट हो गया हमारा, अब डिड नॉट। ठीक है, अब बारिश होना पे क्या हो जाएगा, रेन, यानी इट डिड नॉट रेन। ठीक है, आज वर्षा नहीं हुई थी, अब टुडे, यानी बारिश नहीं हुई, इतना हो गया हमारा। अब टुडे मतलब आज, टुडे यहां पर हो जाएगा हैवली, यानी जोर, बच गया क्या, टुडे, यानी इट डिड नॉट रेन, आज वर्षा नहीं हुई हैवली, यानी जोर से। ठीक है, टुडे। अब यहां देखिए, आज जोर से वर्षा नहीं हुई, ठीक है, यानी इट डिड नॉट रेन, यानी वर्षा नहीं हुई हैवली, यानी जोर से, टुडे, आज। ठीक है, आज जोर से वर्षा नहीं हुई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे पास्ट इनफिनिटिव टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। मैंने आपको बताया कि जब कभी नहीं आता तो नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करने के लिए इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और जब केवल नहीं आता तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर माय फ्रेंड्स, और इसमें ही सीट सिंगुलर या फिर प्लुरल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, उससे पहले आप लोगों को यदि मिल रहा है होमवर्क बोर्ड पर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और होमवर्क जरूर करिए। और
ये लीजिए बोर्ड पर आप लोगों का होमवर्क दिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और माय फ्रेंड्स, आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, होमवर्क जरूर करिए, बिकॉज आप इस चीज को पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज को पढ़कर अप्लाई करते हैं यानी प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब वो आपके माइंड में फिट हो जाता है और उसे आप नहीं भूलते हैं। तो एक्सरसाइज करना ही सब कुछ है, ठीक है। पढ़ना पढ़ाना तो दूर की बात है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो प्लीज होमवर्क जरूर करिए, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, शायद आपको पता नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते भाई, मैं कहता रहता हूँ, मेरा काम है कहना, मेरा काम है वीडियो देना, मेरा काम है आपको होमवर्क देना, मेरा काम है आपके कॉपी को चेक करना, मेरा काम है आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करना, सब कुछ मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई। अब आप अपना काम देख लीजिए, ठीक है। मैं तो अपने कर्तव्य से आदा और मैं अपनी ड्यूटी का पालन करूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते, मतलब लाइक करने में क्या आपका कोई खजाना खाली हो जाता है? अच्छा ठीक है, पढ़ते रहिए फिलहाल। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लोग जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्यों को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही डिटेल। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अभी लिखे कमेंट बॉक्स में कि या आई हैव दिस कंफ्यूजन, उसका रिप्लाई या फिर इमीडिएट के सॉल्यूशन आपको जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन हो तो लिखा जरूर करिए, और अगर वीडियो समझ में आ जाए करिए तो ये भी बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ये बने रहे मेरे साथ, करते रहिए, गुड नाइट।